हाँ हाँ भाई बोलिए। हाँ भाई, 2 महीना भी दवा खाया तो गया अच्छा हो, 1 महीना का और बचा रहा, उसको अभी खा रहे हैं। अच्छा, 2 महीने दवा खा ली है, अभी 1 महीने का बचा है। हाँ दो अभी अच्छा गया हो, अच्छा 10 15 दिन अच्छा हुए हो गया। अच्छा अच्छा तो मतलब जो दवा बचा है उसको पूरा खा लीजिए, ठीक ना। और थोड़ा खाने पीने में समस्या खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी खाने पीने में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गर्म चीजों का परहेज कुछ दिन तक कर लीजिएगा। सारा सादा खाना थोड़ा ज्यादा दिन तक खाइएगा, जब आपका पाचन क्रिया लीवर सिस्टम मजबूत हो जाएगा तो भविष्य में कभी आपको समस्या नहीं आएगा, ठीक ना। और खाने पीने में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा डाइट वाइट लीजिएगा, ठीक ना। मूंगफली का दाना हो गया, चना हो गया, भिगो के केला हो गया, ठीक ना। ताकत वाली चीज लीजिएगा जो शरीर की कमजोरी आई है अच्छी तरह दूर हो जाए, ठीक ना। हाँ, केला तो ऐसे खाते हैं डेली भोजन के बाद 1 केला। हाँ, वजन वजन कुछ बढ़ा है कि नहीं पहले से? हाँ, 2 किलो बढ़ा है। हाँ, 2 किलो बढ़ा है। अच्छा अच्छा आप कोई वैसा दिक्कत नहीं ना लगता है? अच्छा दिक्कत तो अभी अच्छा मतलब क्या क्या दिक्कत थी आपको? अच्छा नहीं है, अभी दांत आता था और घात आता था और चिपचिपा पानी में नहीं आता था, नहीं, अब तो नहीं आता है मतलब अब। पहले आता था चिपचिपा पानी, हाँ, अब नहीं आ रहा है? अच्छा नहीं आ रहा। अच्छा मतलब अब कोई दिक्कत नहीं है, शादी वादी कर लेंगे? हाँ करेंगे, अभी देरी है, अभी टाइम अभी है, अच्छा, अरे हमको भी बुलाएंगे अपनी शादी में। बुला। हाँ चलिए बुलाएंगे सर, जैसा क्या है बुलाएंगे, हमारे ठीक है, कह दिए उतना बहुत है, ठीक ना। हाँ ऐस ठीक है। करिए, थोड़ा खान पीन पे ध्यान दीजिए। यहाँ जब मैं गुजरात आए हैं, ड्यूटी रहे कर, अभी 12 घंटा ड्यूटी है। अच्छा, देखिए हाँ आप जब तक आपकी शादी नहीं होती है, जब तक अश्लील चीज पे आप ना जाइए, ठीक ना। ठीक, रोमांटिक रोमांटिक मूवी पिक्चर, अश्लील बात वगैरह, ये सब से दूर रहिए, ठीक ना। अगर इस तरह से परहेज करके जब आपकी शादी होगी तब तो अपना कार्य करेंगे बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक ना। हाँ थैंक यू। हाँ, और मान के चलिए फिर आप अश्लील चीज पे ध्यान देंगे, अश्लील चीजों पे जाएंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती हाँ है ना। हर चीज समय से तो इस्तेमाल किया जाता है ना। सही बात हाँ, वही सब बात होती है। चलिए ठीक है, खा लीजिए दवा, अभी 1 महीने का बचा है ना। है। हाँ, 1 महीने का है, खा रहे हैं उसमें भी। हाँ, खा लीजिए उसको अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं अच्छा होगा, ये ठीक ना। बताइए, हाँ आपका मतलब डिटेल कोई अगर यूट्यूब पे डालें तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, डाल दे दियो। नहीं, हम कह पूछ ले भाई, अगर कोई दिक्कत रहेगा तो नहीं डालेंगे, अगर कहेंगे तो डाल देंगे। क्योंकि जो भी मैं डालता हूँ पूछ के डालता हूँ पब्लिक से, अगर जो कहते हैं वो उन्हीं लोग का डालते हैं, डिटेल सबका नहीं डालते हैं, ठीक ना। डाल दीजिए, उसके लिए दिक्कत नहीं है। हाँ, मान के चलिए कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दवाइयाँ खाते हैं, काफी पैसा बर्बाद कर देते हैं, सही नहीं होता है, ठीक ना। तो हाँ भाई जो भी होता है हम रियल चीज ही डालते हैं कि हाँ कितना दिन का समस्या है, कैसे सही हुआ, जो होता है काम रियल होता है, ठीक ना भाई। हाँ पब्लिक जाने की क्या सही है क्या गलत है, ठीक ना। उनको समझ में आएगा तो दवा लेगी और सही हो हाँ जाएगी, ठीक ना। कितना दिन से समस्या आपको था? ऐसा ही 2 3 साल से था, 2 3 साल अच्छा, 2-3 साल से था। से। अच्छा, तो जब मतलब दवा खा रहे थे तो कितना दिन में आपका समस्या बंद हो गया था? हाँ 2 महीना में बंद गया। अच्छा, दो मतलब धात निकलना या चिपचिपा पानी 2 महीना में अच्छी तरह से बंद हुआ है? हाँ, हाँ अच्छा, मतलब गंभीर समस्या थी, कमजोरी ज्यादा शरीर में थी क्या? हाँ कमजोरी जब जब मेरी दवा खा रहे थे तो आराम आपको कितने दिन में मिल गया था? मिल गया लगभग, पहले तो आराम मिला था, धीरे धीरे तो हो गया आराम 1 महीना में। अभी दूसरा डिब्बा खाया तो हो गया बढ़िया। अच्छा, मतलब एक डिब्बा खाए थे शुरू में तो आपको आराम मिल गया था। हाँ अच्छा, चलिए ठीक है, केला वाला थोड़ा खाया करिए, थोड़ा वजन वजन बढ़ जाएगा, ठीक ना। हाँ केला वाला खाते हैं ये सब अपना हाँ, डाइट वाइट पे ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत कभी नहीं आ सकता है, ठीक ना। है। ठीक हाँ चलिए ठीक है, और कोई दिक्कत कभी आती है तो तुरंत आप कॉल कर सकते हैं, ठीक ना। एक और दिक्कत है, जो जो आदमी एक और है, मेरा भाई है लगता है, अच्छा, जिसको खाना उना खाता है तो पचता है नहीं। अच्छा
दीजिए। तो सिर्फ खाना खाते हैं, पचता नहीं है बस, और कोई दिक्कत नहीं है धातु वगैरह की? हाँ, सिर्फ उनको खाना खाते हैं पचता नहीं है सही से? पचता नहीं है अच्छा, तो उनको बोल दीजिए एक आता है अभयारिष्ट, ठीक ना? जी। है बोलेगा, बोलो। हाँ, अभयारिष्ट डाबर का ले लीजिए, और उसको लीजिए 10 ml सुबह खाना खाने के घंटे बाद, ठीक ना, और 10 ml शाम को खाना खाने। हाँ, इसी तरह से लीजिए, उनका समस्या सही हो जाएगा, ठीक ना? हाँ, पेट के लिए बहुत अच्छा है जी। खाना नहीं हजम होता, खट्टा ढका रहता है। जितनों अच्छा, काम बोलता है ना, काम करने से खाना पचता है। जितनों काम करते हैं खाना पचता ही नहीं, खट्टा अच्छा। ढका रह जाता है। कुछ गर्मी भी महसूस पड़ती है क्या शरीर के अंदर? गर्मी तो पेट में बनाता है, डॉक्टर बताया कि आपको पेट में गर्मी। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, सिरप ले लीजिए आपका, मुश्किल से 1 हफ्ता दिन खाएंगे तो आपको बढ़िया आराम मिल जाएगा, ठीक ना? क्या बताएं सर, अभयारिष्ट डाबर का। व्हाट्सएप कर दीजिएगा लिख के। हाँ, अच्छा, ठीक है, इनके व्हाट्सएप पे हम मैसेज कर देंगे आपको, ठीक ना? लिख के मैसेज कर दीजिए। हाँ, उसको ले लीजिए, उसके बाद 10 ml सुबह, 10 ml शाम को खाना खाने के घंटे बाद पीजिए, ठीक ना? ठीक है सर। हाँ, इसको लगातार पी लीजिए कुछ दिन तक, ठीक ना? आप 1 हफ्ता दिन करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा, धीरे धीरे आराम मिल जाएगा आपको अच्छी तरह से, ठीक ना? आप भी इसको लिए नहीं दवाई देते हैं सर? देखिए, हम दवा देते हैं लेकिन आपको पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, जब आपका वहीं पे इलाज हो जाएगा, जो जो वहीं पे इलाज हो जाएगा तो उसके लिए क्या झूठे कोरियर करेंगे, खर्च उसका भी लगेगा, दवा का भी लगेगा, ठीक ना? दवा बहुत खाए हैं, असर नहीं सुनिए कर सुनिए, रहा। आप जो मैं बता रहा हूँ इसको कर लीजिए, अगर नहीं आराम मिलेगा तब मेरे पास कॉल करिएगा, तब मुझसे दवा लीजिएगा, ठीक ना? ठीक है, लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए सर। हाँ, कर देते हैं अभी। कहाँ से हैं, किस जिले से हैं? शेखपुरा जिला सर, अच्छा, कौन सा राज्य पड़ता है? बिहार। अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक भाई। इनको इनको नंबर है ना? हाँ, उनके व्हाट्सएप पे हम मैसेज कर देंगे अभी, ठीक ना? दोनों एक ही गांव का आदमी हूँ। अच्छा, ठीक, ठीक है, कर ओके दीजिए। ओके। ओके।